جهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، آج کی یہ محفل، یہ مجلس سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب لم یسل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور میرا یہاں بیان کرنا، آپ کا سننا قیامت کے دن ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بلا تمہید وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، فرمایا اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی بری بات کو ظاہر کرے، کوئی کسی تلخ بات کو ظاہر کرے۔ یعنی اللہ رب العزت قطعی طور پر اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا کلام کیا جائے جو تلخ ہو۔ الا من ظلم، مگر ہاں وہ بیان کر سکتا ہے جس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، جس پر مصائب اور آلام کے بادل برسے ہوں، اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کے ٹوٹنے والے پہاڑوں، اپنے اوپر مصائب اور آلام کے برسنے والے بادلوں کا ذکر کرے، مگر فرمایا یاد رکھو کہ جو اس بیان میں جھوٹ شامل کرے گا وہ ظالم کی بجائے، وہ مظلوم کی بجائے ظالم ہو جائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور فرمایا اللہ رب العزت جو ہے
वो तुम पर जो जुल्म किया गया, तुम पर जो मसाइब और आलाम के पहाड़ टूटे, जब तुम बयान करने लगो तो ये मत समझो कि सिर्फ मखलूक सुन रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी सुन रहा है और वो सबसे बेहतर सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? दूसरे मकाम पर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिम व अनाब, क्या कोई शख्स ये पसंद करेगा तुम में से, कोई शख्स वो गोरा हो या काला हो, वो सैयद हो या कुरैशी हो, वो किसी कौम से ताल्लुक रखता हो, वो किसी इलाके से ताल्लुक रखता हो, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिम व अनाब, कि उसका एक बागीचा हो, एक चमन हो, और उस बागीचे और चमन में मिन नखीलिम व अनाब खजूर के दरख्त हूं और अंगूर की बेलें हूं, तजरी मिन तहत हल अनहार, और उस बागीचे के नीचे आबशारें बहती हूं, पानी का बेहतरीन इंतजाम हो। पर साउंड होना चाहिए, क्यों आवाज कम कर देती है? मेहरबानी कर, उस बागीचे के नीचे खोलो इसको, उस बागीचे के नीचे आबशारें हूं, पानी का बेहतरीन इंतजाम हो, लहू फीहा मिन कुल थमरात, और फिर उस बाग के अंदर हर तरह के फलदार और फूलदार दरख्त हूं। कुरान कहता है उसका एक माली हो, उसका एक मालिक हो, और वो बाग का मालिक, वो बाग का माली उस बागीचे की, उस चमन की खिदमत करता रहे, उसे सैराब करता रहे, उसे पानी देता रहे, उस पर मेहनत करता रहे और उसे पालते पालते, उस पर मेहनत करते करते वो उस बाग का मालिक बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, वलहू ज़ुर्रियतुन दुआफा, और उस बागीचे में कुछ नातवा पौधे भी हों, कुछ नौखेज कॉम्प्लेन भी हूं। मेरे ख्याल में आप नहीं समझे, मैं तो बड़ी आस लेके आया था, चलें इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कायनात वालों क़यामत तक मेरा चैलेंज है, तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका एक बाग हो, उस बाग के नीचे आबशारें बहती हों, उसमें पानी का बेहतरीन इंतजाम हो, खजूर और अंगूर के दरख्त हों, ये एक तशबीह बयान की, और आगे फरमाया कि वो बागीचा है, उसका कोई पौधा 18 साल का हो, उसकी कोई नौखेज कोम्पल 6 माह की हो, थोड़ा सा खामोश करवाए, उसकी नौखेज कोम्पल कोई 6 माह की हो, और वो उस बाग का मालिक, उस बाग का माली उस बागीचे की खिदमत करते करते, उन पौधों को पानी देते देते, उनकी तरबियत और परवरिश करते करते खुद 53 साल की उम्र को पहुंच जाए। अभी भी नहीं समझे तो फिर आप मिनाजुल कुरान वाले नहीं।
इस मौसम में यारो बैठे हैं, मुहर्रम का महीना है, जिक्र हुसैन है, और जिक्र हुसैन के लिए मैंने कुरान मजीद से दो मकामात से तिलावत का शर्फ हासिल किया। फरमाया, तुम में से कायनात वालों कोई ऐसा शख्स है जो ये पसंद करे कि उसका एक चमन हो, एक बाग हो, उस बाग के नीचे आबशारें हो, पानी का बेहतरीन इंतजाम हो, उस बाग का कोई पौधा 18 साल का जवान हो, उस बाग की कोई नौखेज कौम्पल 6 मार की हो, वो बाग का मालिक उन्हें सैलाब करते करते, उन्हें पालते पालते, उन पर मेहनत करते करते 53 बरस का हो जाए, असाबहुल किबर बूढ़ा हो जाए 53 बरस का, असाबहा एसारुन जब उसकी उम्र ढल जाए, कोई पौधा अपनी जवानी को पहुंच जाए, कोई नौखेज कोंप लगी 6 माह की हो, तो एक हवा चले, एक तूफान चले, वो तूफान हवा का तूफान हो या जुल्म का तूफान हो, फी है नारम, और उस तूफान में आग बरस रही हो, फातरकत, वो आग और जुल्म का ऐसा तूफान बन जाए कि वो 18 साल के पौधों को भी जला दे, वो 6 माह की नौखेज कलियों को भी जला दे, और जब वो 6 माह की नौखेज कलियों को जला दे, 18 साल के जवान पौधों को जला दे। अब अल्लाह फरमाता है किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतना हौसला जो ऐसा चमन मेरी बारगाह में पेश करे, जिसने खुद चमन को सहचा हो, खुद चमन पे मेहनत की हो, मौलवियों की तरह नहीं कि खाने और पिलाने के लिए अपने बच्चे और जिहाद के लिए दूसरों को तबलीगें, नहीं, कुरान ने शर्त आयद कर दी कि वो शख्स खड़ा होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे जो अपना चमन जलाने के लिए जा सके, जो अपना घर उजाड़ने के लिए जा सके, जो अपने चमन की कुर्बानी देने के लिए जा सके। अपने चमन की बात है, इम्तिहान है, मुझे कहने दीजिए, सारे सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सारे सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सहाबा की शान बजा, सारे सहाबा मौजूद थे, पर हुसैन खड़ा हुआ, मौला मैं उस बाप की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं इस घर को इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस घर को तेरे महबूब के दीन के लिए उजाड़ने के लिए तैयार हूँ। हुसैन इब्ने अली आवाज देता है, इसलिए कि ये खानदान कायनात का कोई आम खानदान नहीं, ये खानदान रसूल है, ये खून रसूल है, इसलिए इस खून में इतनी जुर्रत है, इतनी ताकत है कि कायनात खामोश है, खून रसूल उठकर कुर्बानी का वादा करता है। मुझे एक बात याद आ गई, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अहले सुन्नत का अकीदा है, हम इस बात से इनकार नहीं, पर अली अली है। इमाम हसन पाक अलैहि सलाम और इमाम हुसैन अलैहि सलाम दोनों शहजादे एक दफा शाम में हजरत अमीर मुआविया के पास जाते हैं। हजरत अमीर मुआविया 2,00,000 दिरहम हजरत इमाम हसन मुज्तबा अली सलाम को नजराना देते हैं, 2,00,000 दिरहम इमाम हुसैन अली सलाम को नजराना देते हैं। जब दोनों शहजादों को नजराना दे लेते हैं तो मुझे कहने दीजिए
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بادشاہانہ تھی نا، تو کہہ دیا کہ اے حسن مجتبی، نواسا رسول، میں نے آپ کو اتنا نذرانہ دیا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو اتنا نذرانہ نہیں دیا. امام حسن مجتبی چونکہ مصلح امت تھے، تمام خاموش رہے، مگر حسین خاموش نہیں رہا. حسین وہ ہے جو دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے سامنے بھی بولا ہے، حسین وہ ہے جو شام میں یزید کے سامنے بھی بولا ہے، خون رسول ہے، علی کا بیٹا ہے. فرمایا امیر معاویہ، یہ تو تم نے کہہ دیا کہ اتنا نذرانہ کسی کو نہیں دیا، پر مجھے بتا ہم جیسے پہلے بھی تیرے پاس کوئی آیا، بتا رہا کوئی ایسا میرے پاس آیا ہو جس کے نانا مصطفیٰ ہوں، جس کے بابا مرتضیٰ ہوں، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہو، جس کا بھائی حسن مجتبی ہو. اگر ایسا ہم سے پہلے کوئی آیا ہے تو تیرا کہنا بجا بنتا ہے، مگر یاد رکھ ہم وہ خاندان رسول ہیں جن پر کائنات دل و جان نچھاور کرتی ہے. علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، یہ میدان میں بولنے والے ہیں. پنجابی کے پیڑے چ بولنے والے نے، اندر بیٹھ کے سازشاں کرنے والے نہیں. میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اگر ساؤنڈ بھی ایسا رہا اور آپ بھی ایسے سوئے رہے تو میرا آنا بیکار جائے گا. مجھے وہ مولویوں کی طرح کیسٹ چلانا نہیں آتی. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں گفتگو کروں گا، ادروائز پھر بس کر دیتے ہیں. ہاں ایسا نہ کریں میرے ساتھ، آپ بھی کچھ شفقت کریں نا، سنیں بھی صحیح. اب میری سر شو تو کوئی نہیں کہ میں نے آپ کو سر لگا کے کوئی پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف آپ کو کرنا ہے مصروف. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی اور امام حسین مصطفیٰ حاضر تشریف لے گئے. بعض ملا یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی نے امیر معاویہ کی چونکہ بیعت کی تھی، اس لیے امیر معاویہ امام حسن کے پیر ہوئے. لعنت ہے تیری یہ سوچ پہ. میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، جب امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تو کیا فرمایا؟ آتینا بیتنا لک. امیر معاویہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تیری بیعت کی ہے، نہیں نہیں، یہ رسول کا نواسا ہے، اس نے اپنی بیعت تجھے عطا کی ہے. جاگو کچھ، جاگو کچھ میرے جملے آگا. تو امام حسن مجتبی، امام حسین مصطفی، ان سے میرے آقا کو کتنا پیار ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں، مدینہ کے ایک بازار سے گزرتے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ کے ایک بازار کی ایک نکر پہ پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچہ زمین پر بیٹھا مٹی سے کھیل رہا ہے. بچے جس طرح مٹی سے کھیلتے ہیں، اس کے چہرے پر بڑی مٹی پڑی ہوئی ہے، بال گرد آلود ہیں، کپڑے جو ہیں ان پر غبار اٹا ہوا ہے. میرے آقا نے دیکھا، مصطفیٰ رک گئے. اور میرے آقا کا رکنا کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، نبوت رک گئی، آقا رکے.
उस बच्चे को उठाया, उठाकर सीने से लगाया, फिर मेरे आका ने उस बच्चे की पेशानी पे बोसा दिया, फिर उसके चेहरे पे बोसा दिया, फिर उसके हाथों पे बोसा दिया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर बोल पड़े, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका अगर इस बच्चे से इतना ही प्यार था तो मुझे इरशाद फरमाते, हम पहले इस बच्चे को नहलाते, इसे कपड़े पहनाते, खुशबू लगाते, तब आपके यूहा के लंबे से लड़ते। पता है मेरे आका ने क्या जवाब दिया? मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर, तुझे पता नहीं कि इस बच्चे से मुझे कितना प्यार है। वो बच्चा जिसके गर्द आलूद कपड़े मेरे आका नहीं देखते, वो बच्चा जिसका गुबार आलूद बाल मेरे आका नहीं देखते, वो बच्चा जिसके गर्द आलूद चेहरा मेरे आका नहीं देखते, वो बच्चा जिसके गर्द आलूद हाथ मेरे आका नहीं देखते, मेरे आका उसके हाथों में बोसे देते हैं, उसके चेहरे के बोसे देते हैं, उसकी पेशानी के बोसे देते हैं। वजह क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर, ये बच्चा पता है मुझे इतना क्यों प्यारा है? फरमाया, एक दिन मैंने देखा कि मेरा हुसैन इस गली से गुजर रहा था और आगे आगे मेरा हुसैन जा रहा था, पीछे पीछे ये बच्चा, जहां मेरा हुसैन कदम रखता वहां से ये बच्चा मट्टी उठाता, कभी अपने चेहरे पे मलता, कभी अपनी आंखों पे मलता, कभी अपने सीने पे मलता, कभी अपने कपड़ों पे मलता। मुझे ये बच्चा इतना प्यारा लगा कि इसे मेरे हुसैन से इतना प्यार है, मैंने उठाकर इसके चेहरे के बोसे दिए, इसके हाथों के बोसे दिए, इसकी पेशानी के बोसे दिए। जानते हो, ये एक दिन की बात नहीं, ये दो दिन की बात नहीं, पैसे लेने ही आया तुझे, मैं जो पैसे बथेरे, बस तुझे सुनो, एक दिन की बात नहीं, दो दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, सिलसिला लैलो नहार चलता रहा, दिन रात गर्दिश करते रहे, बिलाखिर एक दिन ऐसा आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना की गली में निकलते हैं, और जब मेरा इमाम मदीना की गली में निकलता है, देखा कि वो बच्चा आज कदमों की खाक उठाकर, खाके खाके कफे पाए हुसैन उठाने के लिए नहीं आया। देखा, अब सीरत निगार लिखते हैं कि कभी आका हुसैन गली में इधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, आका हुसैन उस बच्चे को तलाश करते करते उस गली के पांच चक्कर लगाए। एक बात रुककर यहां अर्ज कर दूं, वो बच्चा कितना हुसैन से प्यार करता है, कितना हुसैन का अदब करता है, के पास ही तो होता है, ना हाथ चूमता है, ना पांव चूमता है, बल्कि जहां हुसैन कदम रखता है, कदमों की मट्टी उठाता है, उस मट्टी के बोसे देता है। अब ये किसी सीरत के किताब में तो नहीं लिखा, मगर मेरा विजदान कहता है कि वो बच्चा हुसैन के हाथ और कदम क्यों नहीं चूमता था? इसलिए कि इस हुसैन के हाथ तो मेरे आका चूमते थे, इस हुसैन की पेशानी तो मेरे आका चूमते थे, इस हुसैन के कदम तो मेरे आका के अलम मशरा के सीने पर लगते थे। तो उसने जरूर सोचा होगा कि मेरे कदम कहां इस काबिल, मेरे होंठ कहां इस काबिल, इन होंठों से मैं हुसैन के हाथों के बोसे दे सकूं जिसको मुस्तफा बोसे देते थे, मेरे होंठ कहां इस काबिल कि उन होंठों से मैं हुसैन के उन पांव के बोसे दे सकूं जो पांव मुस्तफा के सीने से लगते थे। तो अर्ज कर रहा था, इमाम हुसैन उस बच्चे को तलाश करते करते उसके घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं,
आवाज देते हैं, बाहर से कुंडा खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज देते हैं, तो अंदर से जवाब आता है, एक बुढ़िया नहीं कमजोर औरत लड़खड़ाती हुई आवाज में अंदर से पूछती है, मन दक्कल बा, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है, किसने दस्तक दी है? तो मेरा इमाम जवाब देता है कि नबी का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, फातिमा का लखते जिगर हूं, कायनात मुझे हुसैन के नाम से याद करती है। वो बुढ़िया उठती है, दरवाजा खोलती है, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहि सलाम अंदर दाखिल होते हैं। अब बचपन है ना, तो नाराज नाराज से हैं, फरमाते हैं, उस बूढ़ी से पूछते हैं, वो तेरा बच्चा किधर गया जो हर रोज मेरे कदमों की खाक उठाकर चूमता था, आज मैं गुजरा हूं मेरे पीछे नहीं आया, मैं तलाश करता रहा। बुढ़िया कहती है कि शहजादा रसूल जिगर गोशाए बतूल, मेरा बेटा रात से बीमार पड़ा है, हरकत सकनात खत्म हो चुकी है, खाना पीना बंद है, और मुझे तो यूं लगता है कि उसकी सांस भी रुक चुकी होगी। आका हुसैन फरमाते हो मेरा गुलाम, और ऐसे चला जाए, तशरीफ ले गए, उस कपड़ा, उस बच्चे पर कपड़ा पड़ा था, कपड़ा चेहरे से हटाया, अब बचपन था ना, बचपन का यार था, तो यूं कपड़ा हटाया, फरमाया, पंजाबी दसन लगा, फरमाया मर गया आज नहीं यार, बस ये कहना था कि वो बच्चा उठ के बैठ गया। इमाम अली मकाम के कदम कदमों की खाक फिर उठाने लगा। बताऊं वो शख्स कौन था, वो बच्चा कौन था? ये वो इमाम का गुलाम था जो करबला तक साथ रहा, इसका नाम हबीब इब्ने मजाहिब था। जब करबला का मैदान सजा, मेरा इमाम करबला में जलवागर हुआ, तो हबीब इब्ने मजाहिब अपना सारा खानदान लेकर, बच्चे, बच्चियां, औरतें, मर्द, सब लेकर इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, और अर्ज की, शहजादा रसूल मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये थी, तो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब तारीखदान लिखते हैं कि हबीब इब्ने मजाहिर ने, आजकल देहातों में जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो इसी तरह करते हैं, अपनी कमर के कमर पे पटका बांधा हुआ, करीब हुआ, ये अरब करीब आ गए, करीब हुआ, मेरे इमाम ने फरमाया, हबीब इब्ने मजाहिर बूढ़ा हो गया है ना, रहने दे, घर चला जा। बस मेरे इमाम का ये कहना था, हबीब इब्ने मजाहिर वो इमाम का आशिक था, वापस पलटा, दोबारा कमर कसी, और फिर मेरे इमाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता, सोना तको ना, हुण तां तुहाडा गुलाम बुढ़ा नहीं लगदा पिया, मैं यहां घर पलट कर वापस जाने के लिए तो नहीं आया था। हुसैन कायनात का वो बादशाह है कि जिसके खमीर जैसा कायनात में खमीर किसी का नहीं,